काफी संख्या में वहाँ पे उनके लोग इकट्ठा हो रखे थे, काफी हल्ला गुल्ला कर रहे थे, ये सोच रहे थे बस यहाँ से कैसे निकल के भागे। हमें अपनी जान बचाना भारी पड़ी है। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। सबको आगे किया था, सबको आगे किया था। लेडीजों ने पत्थर मारे, बच्चों ने पत्थर मारे, सब में आगे उन्हीं को कर रखा था। ऐसा लगा था अब गए। बड़ी मुश्किल से उन लोगों की जान बच पाई और हम लोगों की भी। चारों तरफ से मतलब ऐसी स्थिति थी कि वहाँ एक प्रकार से लग रहा था कि बचना आज मुश्किल है। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में हैं। हल्द्वानी वो है जहां बीते गुरुवार को हिंसा हुई थी अतिक्रमण हटाने को लेकर के। हमारे साथ नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं। नगर निगम के ये वो कर्मचारी हैं जो उस समय घटना स्थल पे गए थे, क्योंकि नगर निगम की एक टीम गई थी जो अवैध कब्जा हुआ है ज़मीनों पर उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके की स्थिति हुई, पूरे देश ने देखा कि कितनी प्रकार की हिंसा हुई, किस तरीके से लोगों को मारा गया, पुलिस थाने को जलाया गया और लगातार लोगों को टारगेट किया गया। हमारे साथ लोग हैं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, वो आंखों देखा हाल बताएंगे आपको कि क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, आप नगर निगम की टीम से वहां पे गए थे, क्या कुछ हुआ पूरा विस्तार से? देखिए सर, ऐसा था जिस समय हम अतिक्रमण हटाने वहां पहुंचे तो काफी संख्या में वहां पे उनके लोग इकट्ठा हो रखे थे, काफी हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जिस समय हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था। उस वक्त उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है। हमने सोचा हल्का फुल्का चल रहा है, शांत हो जाएगा सब एरिया, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ से जब अधिक से अधिक पब्लिक जमा हुई, फिर उन्होंने और पत्थरबाजी करी है, तब हम ये सोच रहे थे बस यहाँ से कैसे निकल के भागे। हमें अपनी जान बचाना भारी पड़ गया है। जिस जगह पे आप लोग काम करने गए, अतिक्रमण हटाने के लिए गए, तो वो जगह कौन सी है, क्या पूरा मामला है वहाँ पे? उसको वो कहते हैं, क्या नाम है उसका, मलिक का बगीचा कहते हैं उसको। मलिक का बगीचा है वो, बनफुलपुरा एरिया में लगता है। तो वहाँ पे हम अतिक्रमण हटाने गए थे। मदरसा का निजुल स्थल पे बना रखा था मदरसा और मस्जिद, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने गए थे, वो तोड़ने गए थे। जब वो उसको तोड़ने लगे तो वहाँ पर पथराव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। हम लोग अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागे हैं भाई साहब। आपके सर पे चोट दिख रही है, कितनी उम्र है आपकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू लाल। कितनी उम्र है आपकी? 35। आप वहाँ पे गए थे तो कैसी स्थिति देखने को मिली, पत्थरबाजी, कैसे चोट लगा आपको? हमें शुरू में भी देखना पत्थरबाजी शुरू में देखने मिल गई थी। अब जान बचाने का बड़ी मुश्किल से निकल गए हैं। ऐसा हो गया था, अब मरे ऐसा हो गया था हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, क्या स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति बहुत खराब थी वहाँ पर, जिस तरह से वो पत्थरबाजी हो रही थी, चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे। पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हुई, पहला मतलब हमला कैसे हुआ? पहले उन्हीं की तरफ से हुआ, पहला पत्थरबाजी वहीं से ही हुआ, उन्हीं की तरफ से। लेडीजों ने पत्थर मारे, बच्चों ने पत्थर मारे, सब में आगे उन्हीं को कर रखा था। और जिस तरीके से वहाँ पे घटना हुई है, उसमें कई, जैसे आप लोग घायल हुए क्योंकि आप लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं, उसके बाद पत्रकार भी वहाँ पे सुनने में आया घायल हुए हैं जो कवर करने गए, क्या? हाँ, उनके भी चोटें लगी थी, समझे, टांग में, हाँ, सिर में लगी, लेडीज पुलिस के भी लगी, समझे। एक लेडीज पुलिस को वहाँ घेर लिया था, उनकी उंगली टूट गई थी, बीच बचाव में उन्हें पकड़ने गए थे वहाँ पर। आप लोग किस तरीके से निकले, या लोगों को किस तरीके से आपने बचाया जब हमला हुआ? गाड़ी के द्वारे पे निकले हम वहाँ से, जैसे गाड़ी बढ़ती गई हम लोग वैसे ही निकलते गए वहाँ से, जेसीबी के द्वारा निकले और उसके नाले द्वारा। क्या लग रहा था कि वो दिन अंतिम हो जाएगा? हाँ, ऐसा लग रहा था अब गए। क्या ये बताइए कि किस तरीके से हमला हुआ, कैसे आपने लोगों को बचाया भी? जान देखिए साहब, हमने अपनी जान पे खेल के, हमने अपनी रक्षा तो करी। जो हमारी महिला लेडीज पुलिस थी, उनके साथ भी बड़ा बेहतर विचार हो रहा था। उनको बचाने के चक्कर में हम खुद घायल हुए हैं, वो भी हमारी सपोर्ट में थे, उन्होंने सबको बचाया है। उन्होंने, अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो शायद ही आज हम वापसी आ पाते निगम के अंदर। तो जिस तरीके से हमला हुआ, क्या लग रहा था कि हमला की तैयारी पहले से उन लोगों ने कर रखी थी? उनका तो पहले से ही पहले तैयारी था। अब जब हमने सोचा यहाँ तो भीड़ कम ही है करके, बाद में जब इतना हुआ है कि उसके बाद तो पूछो ही मत कितना आ गया है वहाँ पे पब्लिक। घेर के मारने की जलाने की प्लानिंग करी थी, घेर के मारने की। जो पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले जो लोग थे, वो किस तरह थे? जेंट्स थे, महिला थे, बच्चे थे, किस तरह के लोग थे? वहाँ तो अनगिनत थे। अब लेडीज भी चला रही थी, तो बच्चे भी चला रहे थे, तो बड़े भी चला रहे थे। उनको तो एक ही टारगेट दिया गया था कि इन्हें मारो 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 करके। मतलब वो लोग पूरे तरीके से प्लान में थे कि भाई हमला करना, मारना। हाँ, बिल्कुल वो तो साहब पूरे ही प्लानिंग से थे। हम ऐसी प्लानिंग से नहीं गए, क्योंकि हमने आज तक इतने अतिक्रमण करे, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब वहाँ जाके पता चला करके कि ऐसा भी हुआ है। तो बहुत लोग घायल हुए, घायलों को आपने देखा करीब से, कैसे लोगों को बचाने का काम किया? जैसे अब जो हमारे साथ के जैसे भी थे, जो पुलिस वाले भी थे या सफाई कर्मी जो भी थे, हमने उनको बचाया, सरकारी अस्पताल लेके गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ। बाकी आधे को कृष्णा में रेफर करा,
तो वहाँ कुछ एडमिट हैं, वहाँ पे ससुरिया तिवारी भी गए हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों की जान बच पाई और हम लोगों की भी। तो अब तो मान लीजिए कि उस इलाके को पूरी तरीके से धारा 144 लगाया गया है, इलाके को सील किया गया, कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता, लेकिन क्या लगता है कि अगर वो लोग तो ये करें कि प्रशासन हमारे साथ जुल्म कर रहा है, हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, आप काम किए, आप देखें क्या स्थिति, क्या प्रशासन उनके साथ जुल्म कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन उनके साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा है। देखो, जो अगर हम भी गलती करते उसमें तो सजा तो हमारे लिए भी होती ना, पनिशमेंट तो हमारे लिए भी होता। अब ये जो गलती करा है तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो उसके लिए तो आप करोगे ही करोगे। या तो आप ऐसी गलती मत करते, आपकी प्रशासन से लड़ाई थी, आप प्रशासन से लड़ते, आप धरने पे बैठते, भूख हड़ताल करते, आपने कर्मचारी पे पुलिस कर्मियों को क्यों पत्थर चलाए? पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, पत्रकारों को गाड़ियाँ जलाई हैं, हम लोगों की अन्य गाड़ी जली है, हमारी निगम की गाड़ियाँ जली है। आपका क्या नुकसान हुआ वहाँ पे? नुकसान तो बहुत हुआ है, अब क्या बताएं, क्या ये नुकसान गिनाने लायक नहीं होते ना, अब तो भरपाई तो हमें करनी है। अब हमारे कमरों में पत्थर पड़े हैं, फ्रैक्चर है कमर में, रीढ़ की हड्डी में बाल है, अब कैसे हम ड्यूटी करेंगे? क्या आप लोग का नगर निगम किस तरह से आप इस सब काम करते हैं, आप लोग के लिए नगर निगम कुछ खास इंतजाम रखता है कि कुछ दुर्घटना होती है तो उसके लिए? नहीं, जैसे कि दुर्घटना में तो निगम हमें सेफ्टी के तौर पे एक हेलमेट मिलता है, बाकी जैसे कोई चोट फेट लग जाती है तो हम कृष्णा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से इलाज फ्री होता है, बस। और क्या है, कुछ नहीं, इंश्योरेंस नहीं है हमारा, कुछ नहीं। क्या आप चाहते हैं, मांग क्या है? हमारा इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अच्छा, जरा ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बगल के राज्य की उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो आप सुने होंगे खबरों में कि वहाँ पे अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो किस तरह की कार्रवाई, क्या आप चाहते हैं कि, और आपको लगता है कि यहाँ भी उस तरीके की कार्रवाई होगी प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल साहब, प्रशासन के द्वारा हम तो यही उम्मीद लगाए के बैठे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है यहाँ भी ऐसी होना चाहिए, ये कार्रवाई सख्त से सख्त जरूरी है इन लोगों के लिए, मतलब योगी आदित्यनाथ के मॉडल पे कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बुलडोजर चलना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दुर्घटना जितना खाया निंदनीय है, नगर निगम प्रशासन अपना काम कर रहा था, लोग विरोध करते हैं अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं खुद स्वयं वहीं पे था, मैं सुपरवाइजर हुआ नगर निगम में, मैं भी वहीं था, जिस तरह इन्होंने चारों तरफ से पत्थरबाजी की, हमारे कर्मचारी साथी, पत्रकार बंधु और जो हमारे पुलिस सुरक्षा बल लोग थे, सभी को एक प्रकार से जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा था वहाँ पर, हमारा निकलना मुश्किल हो गया था वहाँ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, प्रशासन पहले से ड्रोन से एक बार निगरानी किया था उस समय के, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ऐसी बड़ी तैयारी कैसे कर ली? अब मैं थोड़ी हमारे प्रशासन में कमी कहूँगा इसको, क्योंकि उन्होंने हमारे 2 बजे से ड्यूटी लगाई थी, पहुँचे वहाँ 4 बजे, तो 2 घंटे में तो पता नहीं क्या क्या तैयारी हो जाती है, वहाँ खबर पहुँच गई होगी, वहाँ उन्होंने अपनी तैयारी कर ली। हमलावर किस तरीके से, क्या आप उसके बारे में बता? नहीं, इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, जहां हम अतिक्रमण में चल रहा था, पत्थर मकानों के पीछे की साइड से आ रहे थे। अच्छा। गलियों में से एक पीछे वहां नाला था, कुछ लोग नाले से पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ छतों के ऊपर से कर रहे थे, चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। घायलों से हमारी बात हुई है, घायलों ने कहा कि छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे भी डंडे से, और महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। सबको आगे किया था, सबको आगे किया था, सबको आगे किया था, जो इनके हाल बनाई गई थी, मुख्य लोग थे वो आके पुलिस वालों को समझाने में लगे हुए थे कि हम लोगों को समझा रहे हैं, पीछे जाकर पता नहीं उनको भड़का दे रहे थे, पता नहीं क्या था, जो हमारी जितनी मोटरसाइकिलें वहाँ खड़ी थी उनमें आग लगाई, हमारे सामने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी, और चारों तरफ से मतलब ऐसी स्थिति थी कि वहाँ एक प्रकार से लग रहा था कि बचना आज मुश्किल है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार किस तरीके से इन लोग पे कार्रवाई करेगी ना, क्या, क्या क्या चाहते हैं? इन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा वो नहीं कर सके। हमने अपना नगर निगम प्रशासन को अपना ज्ञापन भी दिया है, नगर निगम ने ज्ञापन भी दिया संगठन के माध्यम से कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सबका कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, इनका किसी का आई कार्ड नहीं, आई कार्ड इशू किए जाएँ, और जितने लोग चोटिल उनको मुआवजा दिया जाए, जिनकी मोटरसाइकिल फूकी उनको भी मुआवजा दिया जाए। 2000 मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने नुकसान पहुँचाया इस तरह, जिस तरह हमारा नुकसान हुआ है संपत्तियों का, इस तरह इनका भी नुकसान होना चाहिए। लेकिन वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारे हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं उनके तरफ से लोग। टारगेट क्या बात है, अभी आपने देखा होगा लाल कुआ में नगीना कॉलोनी टूटी है, वहाँ सब हमारे बंगाली हिंदू भाई थे, कोई विरोध नहीं, पता है क्यों गलत। अभी आपने देखा होगा रामपुर रोड सुशीला तिवारी से ऊपर दुकानें टूटी, कम से कम 20-30 मेडिकल स्टोर थे वहाँ पर, वो सब हिंदू लोग थे, सारे धर्मों के थे, वहाँ पर 33-35 लाख के लोगों के नुकसान हुआ, उन्होंने विरोध नहीं किया। जो सरकारी संपत्ति हो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके आड़ में आप गलत काम थोड़ी ना करोगे। मतलब बड़ी तैयारी थी, बहुत बड़ी तैयारी थी, वहाँ तो ऐसा लग रहा था जिंदा जलाने का प्रयास किया था लोगों को, बस बच गए आप, बस किस्मत से बच गए।
तो ये हमारे साथ हल्द्वानी नगर निगम से जुड़े हुए कुछ कर्मचारी थे जो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष दल के रुख के साथ वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही मौके पर पहुँचे उनके ऊपर जो हमला हुआ वो हमने आपको इनकी जुबानी बताया है।